द यूनिवर्स स्टूडेंट आज हम यूनिवर्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे देखिए इस चैप्टर में हम स्काई के बारे में पढ़ेंगे नाइट स्काई के बारे में स्टार्स प्लैनेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स विच प्रजेंट इन द यूनिवर्स सो स्टूडेंट यूनिवर्स इंक्लूड होल ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेस अराउंड द अर्थ एंड ऑल हेमली बॉडीज कंटेंट विद इन इट तो देखिए यूनिवर्स में हमारी जो अर्थ है और जो दूसरी हेमनली बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट रहती हैं इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है यूनिवर्स इंक्लूड अर्थ एंड ऑल हेमनली बॉडी लाइक स्टार प्लैनट्स सैटेलाइट एंड सेवरल अदर सेलिस्टियल बॉडी जिन्हें हम हेमनली बॉडी भी कहते हैं जिन्हें हम आकाश में देखते हैं स्काई में देखते हैं उन सभी वो सभी बॉडी क्या है यूनिवर्स में प्रेजेंट रहती है क्योंकि यूनिवर्स इज अ वेरी वास्ट बहुत बड़ा होता है तो बेटा द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड बिहेवियर एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्स प्लेनेट्स मून्स एंड एस्टेरॉइड्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी मतलब कि स्टार्स प्लेनेट और मून्स इन और इनके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बिहेवियर इनके बारे इनके कंपोजिशन और इनके ऑब्जर्वेशन की जो साइंस होती है उस साइंस को हम क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी कहते हैं तो बेटा अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो केवल कुछ स्पेशल कंडीशन के कारण ही पॉसिबल है क्योंकि अर्थ पर वाटर प्रजेंस है ऑक्सीजन मिनरल इन सॉइल एंड लार्ज अमाउंट में एनर्जी फ्रॉम द सन इसी कारण क्या है कि अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है एज वेल एज बेटा स्पिनिंग और रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कोज डे एंड नाइट अब देखिए अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना जो डे और नाइट को का कारण बनता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कोज चेंज ऑफ वेदर अब देखिए जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो क्या है हमारे वेदर चेंज होते हैं और कुछ ये स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके कारण हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है सो so स्टूडेंट आपने रात के टाइम में स्काई को देखा होगा तो रात के टाइम में केवल जो सन है वो नहीं दिखाई देता ठीक है इनके हम ये कह सकते हैं कि सन केवल दिन के टाइम में विजिबल होता है सन इज विजिबल इन द स्काई ओनली डे टाइम जैसे ही बेटा सनसेट हो जाता है स्काई अपीयर फुल ऑफ ट्विंकल स्टार्स तो जो स्काई uh, है जो आकाश है वो हमें तारों से भरा हुआ लगता है तो जो ट्विंकलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू दटमोस्फियर ऑफ द अर्थ ऑन क्लियर नाइट तो जो ट्विंकलिंग्स हैं ये किसके कारण होती है जो अर्थ पे जो क्लियर नाइट में जो अर्थ पे जो एटमोसफियर होता है उसके कारण देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स विच आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अब देखिए यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज बंचेस और क्लस्टर तो ये है ह्यूज बंचेस में या फिर क्लस्टर में ये पाए जाते हैं कुछ ग्रुप्स जो कुछ तारों के जो ग्रुप्स हैं उन्हें गैलेक्सी कहते हैं ठीक है कुछ तारों के जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं तो बेटा सन अर्थ और अदर प्लेनेट और जितने भी स्टार्स हैं ये हमें क्या है वी सी इन द स्काई बिलोंग टू गैलेक्सी कार्ट मिल्की वे तो देखिए जो सन है अर्थ है और अदर प्लानिट हैं जितने भी तारे हैं वी सी इन द स्काई बिलोंग टू गैलेक्सी कार्ट मिल्की वे में हम इन्हें देख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा देखे देखिए बेटा जो मिल्की वे है इसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं यानी कि जितना भी हमारा सन है अर्थ है प्लैनेट्स हैं स्टार्स हैं इन्हें हम आकाशगंगा में देख सकते हैं इसको हम ऐसा माना जाता है कि जो आ, हमारी गैलेक्सी है समू दलेवन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी कंटेन टेन टू दी पावर इलेवन स्टार एन एट अब देखिए ऐसा माना गया है कि टेन टू दावर इलेवन गैलेक्सीज यूनिवर्स में प्रजेंट हैं और प्रत्येक जो uh, गैलेक्सी है बेटा उसमें टेन टू दावर इलेवन स्टार्स ही प्रजेंट होते हैं तो बेटा अब हम जब स्टार्स की ही बात कर रहे हैं तो बेटा क्योंकि हमें पता है कि स्टार्स क्या होते हैं में स्टार्स भी हेवनली बॉडी होते हैं तो बेटे स्टार्स आर हेवनली बॉडी दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड इमिट लाइट तो देखिए जो स्टार्स हैं क्योंकि यूनिवर्स में पाए जाते हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं हेवनली बॉडी कहते हैं और ये क्या करते हैं लाइट इमिट करते हैं दे कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गैसेज मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम जो स्टार्स होते हैं बेटे इनमें लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन और हीम गैसेस प्रजेंट होती हैं लाइट रेडिएट बाई द स्टार्स मेक दैम विजिबल और साइन जब ये क्या करते हैं लाइट रेडिएट करते हैं तो ये हमें दिखाई देते हैं और तो बेटा है, स्टार आर वेरी बिग हेमली बॉडी दे आर मच लार्जर देन अर्थ देखिये जो स्टार्स हैं वो बड़ी हेमनली बॉडी होती हैं ये अर्थ से बड़े होते हैं सम आर इवन लार्जर देन सन और कुछ स्टार तो बेटा सन से भी बड़े होते हैं दे अपीयर स्मॉल एंड डिम बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और बहुत कम डिम दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं जो तारों का जो कलर है बेटा इट्स डिपेंड ऑन अपॉन इट्स टेम्परेचर उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तारों का कलर तो जो जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं लाइट फ्रॉम दैम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रीचस तो देखिए जो लाइट आती है उनकी उस लाइट को आने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं हमारे पास आने में तो बेटा द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज दियर फोर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लाइट ईयर इसीलिए जो तारों के और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं तो बेटा वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस टेबल्ड बाई लाइट इन वन ईयर तो देखिए जो वन लाइट ईयर क्या है कि एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है लाइट वन ईयर में वो हमारा क्या कहलाता है वन ईयर कहलाता है तो द स्पीड ऑफ लाइट अबाउट थ्री लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि जो लाइट है वो एक सेकेंड में थ्री लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड क्या करती है ट्रैवल करती है सो बेटा वन लाइट ईयर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई लाइट इन वन ईयर तो बेट बेटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन सेकेंड इन टू नंबर ऑफ सेकेंड इन वन ईयर तो देखो वन लाइट ईयर किसके इक्वल हो जाएगा कि जिन एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं इनकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या करती है पर सेकेंड थ्री लैक्स करती है और एक दिन में एक साल में कितने दिन होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स में क्या होते हैं सिक्सटी मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स में क्या होते हैं सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं तो बेटा इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके क्या है नाइन पॉइंट फोर्टी सिक्स इंटू टेन टू दार किलोमीटर तो वन लाइट ईयर इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर्टी सिक्स इंटू टेन टू ट्वेल्व किलोमीटर तो बेटा वन लाइट ईयर इज इक्वल टू नियरली टेन मिलियन किलोमीटर तो देखो बेटा जो हमारा वन लाइट ईयर होता है वो लगभग हमारे टेन मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है तो बेटा टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ इज एट पॉइंट थ्री मिनट्स तो, तो देखिए जो सन की लाइट है अर्थ तक पहुंचने में एट पॉइंट थ्री मिनट्स का टाइम लेती है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पैरालेटिक सेकेंड और आप ये कह सकते हो पैरा सेकेंड आर यूज टू मीजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज तो देखिए बेटा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं उनके जितने भी हमारे स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं इनकी यूनिट को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पैरा सेकेंड यूज़ करते हैं ठीक है बेटा तो देखिए वन पैरा सेकेंड इज़ इक्वल टू टी थ्री पॉइंट ट्वेंटी सिक्स लाइट ईयर तो देखिए वन पैरा सैकेंड क्या होता है कि जो हमारा लाइट ईयर है यानी कि थ्री पॉइंट ट्वेंटी सिक्स लाइट ईयर के इक्वल होता है अब बेटा बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की तो बेटा कॉन्स्टिलेशंस क्या है ये भी तारों के ग्रुप्स होते हैं लेकिन ये ता, ये ऐसे तारों के ग्रुप्स होते हैं जो एक शेप बनाते हैं यानी कि रिकॉग्नाइजेबल शेप फॉम्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कार्ड कॉन्स्टिलेशंस दीज वर नेम्ड बाय द इनिशंट पीपल रिलेटिंग टू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स देखिए क्योंकि स्मॉल ग्रुप जो है स्टार्स के वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिजाम्बल करते हैं ऑब्जेक्ट के शेप से रिजाम्बल करते हैं इसी कारण से इनको क्या है आ, किसी इनिशियन पीपल्स से रिलेट करके या एनिमल से या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनसे रिलेट करके इनके नेम रखे गए हैं तो बेटा ऑल कॉन्स्टिशंस रिवॉल्व राउंड पोल पोल स्टार ठीक है जो हमारा पोल स्टार होता है सारे कॉन्स्टिलेशन इसको राउंड करते हैं विच रिमेन फिक्स्ड इन नॉर्थ और जो कहाँ है नॉर्थ में फिक्स होता है तो बेटा ऑल स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन स्टे टुगेदर, तो देखिए कॉन्स्टलेशन्स में जितने स्टार्स ग्रुप में साथ में रहते हैं तो ईच आप ये कह सकते हैं कि जो ईच uh, ग्रुप है कॉन्स्टिलेशन्स का दे स्टे टुगेदर तो अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्राम वेस्ट टू ईस्ट हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर एस्ट टू वेस्ट क्या होती है रोटेट करती है तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टलेशंस आर मूविंग इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो देखिए अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण हमें ऐसा दिखता है कि जो तारे हैं वो एस्ट ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं तो वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशंस नेक्ट आईज तो देखिये बहुत सारे कॉन्स्टुलेशन है जिनको हम अपनी नेक्ड आईज से क्या है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो बेटा देखिएगा कुछ है देखिए उर्सा मेजर जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टुलेशन कंसिस्ट ऑफ सेवन ब्राइट स्टार्स उर्सा मेजर में क्या होते हैं सेवन आपके जो होते हैं ब्राइट स्टार्स होते हैं और दीज स्टार्स आर अरेज इन अर दम ऑफ डीपर ये डीपर की फॉर्म में अरेंज होते हैं इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं ग्रेट बियर भी कहते हैं तो बेटा उर्सा मेजर कैन बी क्लियरली सीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो ये जो उर्सा मेजर है ये मंथ ऑफ अप्रैल में क्लियरली दिखाई देता है अब बेटा बात करते हैं उर्सा माइनर जिसे हम लघु सप्तऋषि भी कहते हैं तो बेटा दिस कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल बियर क्योंकि देखिए बेटा स्टार इज इस इन दिस कॉन्स्टिलेशंस आर सिमिलर टू उर्सा मेजर क्योंकि ये उर्सा मेजर के जैसे ही इसमें स्टार्स अरेंज रहते हैं तो जो ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ठीक है तो साइज ऑफ कॉन्स्टिलेशन इज सिमलर देन उर्सा मेजर तो कॉन्स्टिलेशन कैन बी सीन इन द मंथ ऑफ जुलाई तो देखिए जो उर्सा माइनर है इसको मंथ ऑफ जुलाई में क्लियरली देखा जा सकता है अब देखिए ओरियोन जिसे हम का, काल पुरुष भी कहते हैं देखिए इट इज़ अ लार्ज एंड ब्रिलियंट कॉन्स्टिलेशन इज विजिबल इन बोथ द हेमिस्फियर इन विंटर इट कंटेन्स सेवन वेरी बिग स्टार्स इसमें क्या होते हैं सात बड़े 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 स्टार्स होते हैं ठीक है और इसको दोनों ही हेमस्फियर में देखा जा सकता है ठीक है बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट वन स्कॉर्पियो देखिए जो स्कॉर्पियो है इट इज लार्ज कॉन्स्टुलेशन ऑफ द है स्कॉर्पियोन से रिजेंबल करता है तो दिस कॉन्स्टुलेशन इज सीन ड्यूरिंग समर और ये कॉन्स्टुलेशन भी समर में ही दिखाई देता है सम ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टुलेशन आर कैंसर चित्रा लियो पाइसिस अश्विनी